हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चिंतन शिविर के बीच पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। पंजाब में सुनील जाखड़ ने पार्टी को कहा अलविदा। चंडीगढ़ कांग्रेस के चिंतन शिविर के बीच पंजाब से असंतुष्ट कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने शनिवार को पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने फेसबुक के लाइव के जरिए इसकी घोषणा की। जाखड़ ने कांग्रेस आला कमान पर आरोप लगाया कि कैप्टन अरमिंदर सिंह को हटाए जाने के बाद सीएम की नियुक्ति के मुद्दे पर पंजाब के एक खास नेता की बात सुनी जा रही है। सुनील जाखड़ ने कहा कि उनके परिवार की 3 पीढ़ियों ने 50 साल तक कांग्रेस की सेवा करने के बाद पार्टी लाइन पर नहीं चलने के लिए पार्टी के सभी पदों को छीन लिए जाने पर उनका दिल टूट गया था। अपने मन की बात बोलने के लिए फेसबुक पर लाइव जाने से कुछ घंटे पहले सुनील जाखड़ ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस को हटा दिया था, जो कि उनकी भविष्य की कार्रवाई का संकेत था। सुनील जाखड़, जिन्हें उनके पार्टी विरोधी बयान के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया था, उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं दिया था। इससे पहले ही अनुशासन विरोधी समिति ने उन्हें सर्वदलीय पदों से हटाने का फैसला कर लिया। चंडीगढ़ से जागरूक टीवी के लिए खास रिपोर्ट।